साल 2024 मेष राशि वालों का कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म विज्ञान पर। मैं हूँ कीर्ति राजपूत। जल्द ही नया साल 2024 शुरू होने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार इस बार नया वर्ष शुरू होने से पहले गजलक्ष्मी राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है। नया साल 2024 सभी के लिए नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और नई चुनौतियों से रूबरू होने वाला है। नया साल 2024 सभी के जीवन में ढेर सारी उम्मीदों और सपनों को साकार होने वाला साल साबित हो, इस बारे में सब लोग सोचते हैं। सभी लोग इस बात को जरूर सोचते हैं कि जो बीते साल हमारे काम अधूरे रह गए थे, वो आने वाले साल पूरे हो जाएं। आइए जानते हैं मेष राशि वालों का कैसा रहेगा ये साल। मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। मेष राशि के जातक सुंदर, आकर्षक और कलात्मक होते हैं। मेष राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। सही और गलत को लेकर इनका अपना अलग नजरिया होता है। इनमें गजब की नेतृत्व क्षमता होती है और ये लोग अपना रास्ता खुद चुनने में यकीन रखते हैं। जानते हैं इनका करियर कैसा रहेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। वर्ष के आरंभ से अप्रैल तक सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आप व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। नवीन व्यापार शुरू करने के लिए अच्छा समय है। राशि में स्थित गुरु नवीन विचारधारा और नई योजनाओं को जन्म देगा, जिससे अपने व्यापार को और मजबूत बना सकते हैं। द्वादश भाव में स्थित राहु के प्रभाव से कार्यों में गुप्त शत्रुओं द्वारा रुकावटों को आप अपने विवेक से अनुकूल बना लेंगे। द्वादश भाव का राहु व्यवसाय की यात्राएं भी देगा। यदि आप विदेश जाने की चाह रखते हैं, तो इस वर्ष में इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता भी मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए छठे भाव का केतु स्थानांतरण के योग बन सकता है। वैसे नौकरी और व्यवसाय के मामले में साल 2024 अच्छा ही रहने वाला है। परिवार की तरफ देख लेते हैं। पारिवारिक दृष्टि से ये वर्ष अनुकूल रहेगा। आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। अप्रैल के बाद परिवार में सदस्य संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वादश भाव में स्थित राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव में होने से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन राशि में स्थित गुरु इस स्थिति को अनुकूल बना देंगे। संतान की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ बहुत उत्तम रहेगा। पंचम स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि भाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। यदि आपकी संतान विवाह के योग्य है, तो उनका विवाह संस्कार भी हो सकता है। संतान जन्म होने से भी आपके घर में खुशी आ सकती है। एक नजर डाल लेते हैं स्वास्थ्य की तरफ। वर्ष के आरंभ से राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। आपके मन में सदैव अच्छे विचार आएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। मौसम जनित रोगों से स्वास्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रैल के बाद स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानियां अवश्य रखनी होगी। राहु और केतु का गोचर आपके 12वें और 6ठे भाव पर होगा, इसलिए अचानक से लगने वाली बीमारियां या संक्रमण वाले रोगों से आपको सावधान रहना होगा। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ उत्तम रहेगा। व्यापार अनुकूलता के कारण धनागमन में वृद्धि होगी। एकादश स्थान का शनि आपको व्यापार से लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य के चलते धन का व्यय हो सकता है। द्वादश राहु के कारण आप निवेश के मामले में सावधान रहें। यदि निवेश करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से ही संपन्न करें। जान लेते हैं प्रतियोगी परीक्षा में कैसा रहेगा आपका साल 2024। ये वर्ष प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। यदि उच्च शिक्षा हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो वर्ष का प्रारंभ अनुकूल है। पंचम स्थान में गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। साल 2024 में आपको क्या उपाय करना है, आइए देख लेते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखें और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। साथ ही इस दिन हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। हर दिन नियमित रूप से सूर्य को अर्घ जरूर दें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, तो इसे लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नए वीडियो के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए टेक केयर।